पर मैं अनुराग पांडे, चल रहा है पिक्चर पांडे और अब बारी आ गई है, जी हाँ, मुलाकात कराने की वेलकम बैक की टीम से। इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं अनिल कपूर और साथ ही साथ में मौजूद हैं जॉन अब्राहम। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन, क्या बात है जॉन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आपका वेलकम जो किया गया? हाँ, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। जो एनर्जी था ये रेडियो स्टेशन में वो बहुत ही पॉजिटिव था एंड आई रियली एंजॉयड कमिंग हियर। आपको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप में जब भी करता हूँ तो आप हमेशा जवाब देते हो, ये मुझे बहुत कमाल लगता है। जी जी, आपके जोक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अनिल भाई, ये फिल्म वेलकम बैक फर्स्ट में कमाल कर दिया है, दूसरे में तहलका कर रहे हो आप, मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो जनता बताइए आप मेरी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, जनता में आपका मतलब आपकी भविष्यवाणी आपकी सर, जनता में हूँ, मतलब भविष्यवाणी आपकी सही जाती है। ब्राह्मण पांडे में हूँ, ब्राह्मण पांडे सर, चलो आपके मुंह में घी शक्कर। तो मतलब कैसे मजनू कैरेक्टर, क्या सोचा आपने, वाकई ऐसा कोई मजनू देखा आपने? डेफिनेटली ऐसे बहुत से किरदार, मैंने जब तक कुछ किरदार ऐसे होते हैं, डेफिनेटली मैंने रियल लाइफ में ऐसे किरदार देखे हैं, मिला भी हूँ और कहीं ना कहीं उनकी छवि है इस कैरेक्टर में, किरदार में। हाँ ऐसा, या बिल्कुल जॉन, बहुत कम ऐसा होता है ना कि आप जैसा बॉडी बिल्डर, आप जैसा परफॉर्मर ऐसी कॉमेडी फिल्म में आ जाए। तो जी, मेरी फर्स्ट पहली कॉमेडी फिल्म गरम मसाला थी एंड आई थिंक द बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड वॉज प्रियदर्शन, और अक्षय से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था उस टाइम पे, और परेश रावल भी थे उस फिल्म में। उसके बाद देसी बॉयज, हाउसफुल टू, आई थिंक वेलकम बैक ने मुझे पूरा, मतलब जैसे कहते हैं कि यू नो, इट कम्प्लीटली ओपन्ड मी अप, और मैं कह सकता हूँ काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि इस फिल्म के बाद मेरी जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है। आई एन्जॉय डूइंग कॉमेडी फिल्म, और एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि सबसे टफेस्ट जॉनर जो होता है करने के लिए वो कॉमेडी होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट कॉमिक टाइमिंग राइट, और इस फिल्म में एवरीबडी इज़ गॉट सच ग्रेट कॉमिक टाइमिंग, तो उनके साथ अगर कैचअप करे या उनके साथ अगर परफॉर्म करे तो योर कॉमिक टाइमिंग हैज़ टू बी फैंटास्टिक।